हाँ, तो आपको यूपी पुलिस के रिजल्ट की डेट तो आपको मिल चुकी है, ये 25, 26, 27 अक्टूबर, ये इसी डेट में आपका रिजल्ट आने वाला है। और बाकी जो DBPST है आपका नवंबर में होने वाला है, उसके 3 से 4 दिन में आपकी रनिंग हो जाएगी। तो कुल मिला के अभी तक देखा जाए तो आपके पास 40 दिन का लगभग समय है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके पास रनिंग के लिए समय नहीं है। क्योंकि अगर फ्रेशर स्टूडेंट है जो आज तक कभी लाइफ में नहीं दौड़ा, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जो इसके पहले कभी भी लाइफ में दौड़ा है तो उसको दिक्कत नहीं होने, बाकी एक 2-4 लोग अपवाद स्वरूप होते हैं वो कर लेंगे, लेकिन सबके बस की बात नहीं होता। और बाकी आपका मन है रनिंग करे या ना करे, आप कट ऑफ का वेट करें, लेकिन इस वीडियो में मैं दो चीज़ पे फोकस करने वाला हूँ। सबसे पहला आपका वीडियो में पॉइंट रहने वाला है, जो चक्कर होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, जिसकी वजह से फेल होते हैं, इसके लिए आपका क्या तरीका होना चाहिए। और दूसरा ये स्टेमिना, जैसे आपका क्या रनिंग में स्पीड नहीं बढ़ रही, तो कारण क्या है कि जो आपकी स्पीड कब तक बढ़ने वाली है। देखो, सबसे पहले बात करें कि बहुत से लोग क्या है कि कमेंट कर देते हैं मैं रनिंग की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, जब कट ऑफ आएगी तो तब मैं रनिंग शुरू करूँगा, मतलब रिजल्ट आने के बाद। तो देखो, ऐसे लोग क्या है कि दूसरों को भड़काते हैं, स्वयं रनिंग कर रहे होते कमेंट में, हाँ क्या उनके आप घर देखने जा रहे हैं कि वो कमेंट रनिंग कर रहे हैं। तो ये ऐसे बंदे हैं, सुबह को आप 5 बजे दौड़ना शुरू कर दे, आपके साथ के दोस्त वालों को भी नहीं पता होगा कि ये रनिंग कर रहा होगा। देखो, रनिंग अगर आप नहीं कर रहे तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। यह फोकस नहीं होना चाहिए कि मेरा यूपी पुलिस का रनिंग है तभी मैं रनिंग करूँगा। रनिंग वैसे भी आपको करना चाहिए, मैं भी करने जाता हूँ, क्या मैं बताता हूँ कि मैं रनिंग करने जा रहा हूँ। तो रनिंग क्या होता है, एक आपके फिटनेस के लिए होता है, तो रनिंग करने जरूर जाए, चाहे आपका नाम आए चाहे ना, क्योंकि ये आपके फिटनेस के लिए होता है। जो आपके फेफड़े कमज़ोर पड़े वो फेफड़े आपके मजबूत हो जाएंगे, पैरों का दर्द, जो बीमारियाँ हैं, ये सारी रनिंग करने से दूर होगी। जितना आप पसीना बहाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। रनिंग के लिए मैं परेशान हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि गाँव वाले बाद में मजा लेंगे, देखो ये गाँव वाले वगैरह कभी आपकी ज़िंदगी में साथ नहीं देने वाले। ये अगर आपको चौराहे पे कोई मार रहा होगा तो ये पब्लिक है, आपको कभी भी आपको बचाने नहीं जाएगी, ये चीज़ें होती हैं। तो ये इन समाज के चक्कर में ना पड़े, समाज का काम क्या है, आपको कभी भी आपके ना सुख में रहेगा ना दुख में, हमेशा आपके पीछे पड़ा रहेगा। इसलिए समाज को देख के ना चले, जो आपके मन में आ रहा हो वो करे, ठीक है। और रही कटाव की बात, तो कटाव आपके दोस्तों के अंदर रहेगा, और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, लग रहा है कि मुझे मेरा रनिंग में नाम आ जाएगा, आप दौड़े, आप किसी की बात पर बिलीव ना करें, ठीक। आप अपने कॉन्फिडेंस से विश्वास रखें, हाँ मेरा नाम आ जाएगा, दौड़िए। आपको नहीं लग रहा है कि मेरा नाम नहीं आएगा, मत दौड़िए, ठीक है। आप किसी की बात पर विश्वास करें, खुद की बात पर विश्वास करें कि हाँ मेरा आ सकता है, खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें कि जैसे बहुत से लोग क्या है कि रनिंग इकट्ठा अगर करेंगे आप 10-15 दिन में, तो SSC GD वाला हाल होगा। उसमें देखे होंगे कितना लोग पैर एकदम चल नहीं पा रहे थे, ये क्रैक हो जाता है पैरों में, इसी वजह से होता है कि आप पहले से रनिंग की प्रैक्टिस ना करें। 15 दिन वालों का हाल है, ठीक है, जो 15 दिन कहते हैं। तो 15 दिन में आपकी हालत ये हो जाएगी, पैर भी टूट सकता है। मेरे साथ एक अभ्यर्थी का टूटा था पैर, तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, दवा वगैरह ले लिए, टैबलेट ले लिए, ये चीज़ें आपको नुकसान करती है भाई। अगर आप बिना टैबलेट उसके दवा जाते तो आपके अंदर जो क्षमता रहेगी आप उस कर पाएंगे, लेकिन जब आप टैबलेट खा लेंगे जो आपके अंदर क्षमता भी नहीं रहेगी, तो वो जाएंगे आप बेहोश हो जाएंगे, पैर टूट जाएगा, ये चीज़ें आपके साथ होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि रनिंग के लिए मैं आपको ग्राउंड की सलाह क्यों देता हूँ। बहुत से लोग क्या है रोड पे दौड़ रहे हैं, रोड और ग्राउंड के टाइमिंग में आपका 1 मिनट का डिफरेंस होता है। अगर रोड में आप 24 मिनट आपका लग रहा है, तो ग्राउंड में आपका 25 लगने वाला है, ठीक है। और कोशिश करें कि अपना ग्रुप में रनिंग जरूर करें, क्योंकि ग्रुप में रनिंग करेंगे आपका, अगर अकेले आप दौड़ेंगे आपका 26 मिनट लग रहा है, तो ग्रुप में दौड़ेंगे आपका 24 मिनट के आसपास लगेगा। ये बहुत सी चीज़ें होती, तो एक यहाँ का जुनून और वहाँ ग्राउंड में जब आप हज़ारों लोग, मतलब 100 लोग दौड़ाए जाते हैं उस पर रहेंगे, तो आपका एक अलग ही जुनून रहता है, ठीक है। अब आपको ग्राउंड में दौड़ने की मैं सलाह क्यों दे रहा हूँ, देखो रोड में दौड़ने के एक नुकसान है कि आपका पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण से मिट्टी के ग्राउंड में दौड़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और जूते पहन के ही रनिंग करेंगे, क्योंकि रनिंग जूते पहन के करेंगे तो आपके पैर सेफ रहते हैं, गिट्टी वगैरह लगने का डर नहीं रहता है। अब क्या होता है, बहुत से लोग क्या होते हैं कि चक्कर भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपको पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको 12 चक्कर लगाना है, महिलाओं के लिए तो 6 चक्कर आप आसानी से गिन सकते हैं, लेकिन 12 चक्कर में क्या होता है, जब 6-7 चक्कर हो जाते हैं उसके बाद लोग भूल जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोग क्या होते हैं, जैसे ही पहला चक्कर रखे तो पहले चक्कर से ही अपना एक चक्कर काउंट कर लेते हैं। जैसे पैर रखे, क्योंकि आपके पैरों में चिप बांधी जाती है, चिप से ही आपका एक मैट बिछी रहती है, उसमें आपको पैर रखना रहता है, तो जितने बार उसमें पैर रखेंगे उतना आपका चक्कर काउंट होगा। उसके लिए परेशान मत हो, वो मैट इतनी चौड़ी होती है कि आपका पैर उसमें हर बार पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें जैसे ही बहुत से लोग क्या होते हैं, उसमें पैर रखे तो पहले ही वहाँ से अपना चक्कर काउंट करने लगते हैं, जिस वजह से क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे कि 11 ही चक्कर लगाते हैं वहाँ से, उसके बाद जब उनको जब रिजल्ट देखते हैं तो
क्योंकि 11 ही चक्कर उसमें रहते हैं, तो ऐसा कई लोग के साथ हुआ। ये गलती आपको अभी से नहीं करना है। चक्कर आपको कब लगाना है, जब आप एक पूरा करके आए हैं तब आपको चक्कर लगाना है। उसके लिए आपको चक्कर कैसे काउंट करना है, देखो चक्कर करने के लिए आपके पास दो तीन तरीके हैं। पहला है आप रबड़ बैंड एक जो आती है छोटी सी, उसको अपने उंगलियों में रख लीजिए, फंसा लीजिए, 12 कर लीजिए, जैसे ही एक चक्कर हो कंप्लीट हो उसको निकाल के फेंक दीजिए, इसी तरह करते चले जाइए। दूसरा आप 12 गिट्टी ले सकते हैं छोटी छोटी, ठीक है। उसके बाद एक अपने पास पेन रखिए, पेन से क्या करेंगे, ये जो आपका हाथ है उस पर एक चक्कर होता है ऐसे लाइन खींच दीजिए, दूसरा होता है ये कर लीजिए। घड़ी भी आप पहन के दौड़ सकते हैं, तो घड़ी टेंशन ले लीजिए, घड़ी आराम से आप घड़ी पहन के भी दौड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपकी समस्या हो गई चक्कर, इसीलिए कहता हूँ अगर ग्राउंड नहीं है तो ग्राउंड 8 से 10 किलोमीटर घर से दूर है तब भी जाएं, दिन में जाएं, क्योंकि दिन में दौड़ेंगे आपकी रनिंग वैसे भी 9-10 बजे 11 बजे होगी, तो उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। सभी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी, तो दूर है तो दूर की समस्या नहीं है। बाकी जिसको रनिंग में बहुत ज़्यादा समस्या है भाई अकेडमी ज्वाइन कर लो, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। और एक चीज़ और है कि अभी देखो आपके RPF वगैरह की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है भाई, उसकी तैयारी में लग जाओ। RPF SI की, RPF कॉन्स्टेबल का आपका जुनून पेपर है, सभी रेलवे के आपके एग्जाम डेट आते हैं। जिसके नंबर कम है और साथ में इसके जिसके नंबर हैं रनिंग के साथ अपना पढ़ाई भी करते रहें, तो रेलवे में आपके टेक्नीशियन ये सभी एग्जाम डेट आ गए। अभी NTPC की आपके फरवरी मार्च में होना, तो सभी की तैयारी में लग जाओ। अभी टेक्स्ट बुक के आप सेल चल रही है, फ्यूचर ऑफिसर सेल, मात्र आपको 600-800 रुपये में टेक्स्ट बुक के पास प्रो मिल जाएगा। मेरा कूपन पीरियड यूज करेंगे M10, आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा अलग से, तो उसमें सारे आपके रेलवे के एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, चाहे RPF हो चाहे RPF कॉन्स्टेबल SI हो, ये सारे चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। टेक्नीशियन से लेके आपके NTPC के एग्जाम, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब आपको मिल जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है आपके सिलेक्शन लेने में, तो ये सब कुछ आपको उसको मिल जाएगा। तो जाके अभी परचेस कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं कि आपका स्टेमिना कैसे बढ़ेगा। देखो स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपका सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि आपकी रनिंग आप किस हिसाब से करते हो, क्योंकि बहुत से लोग क्या है कंटिन्यू रनिंग लगातार आपको देखो बहुत डेली नहीं कि डेली आप 5 किलोमीटर रनिंग प्रैक्टिस, इससे क्या होगा पैर में इंजरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। प्रॉपर आपको रेस्ट करना है, रेस्ट जितना करेंगे उतना आपके लिए होगा। डाइट आपको अच्छी लेनी है, सबसे दूरी आपको फास्ट फूड से बनानी है। फास्ट फूड से अगर आप दूरी बनाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, वो चीज़ें आपके लिए बहुत नुकसानदायक होती है अभी जब तक आप रनिंग करें। उसके बाद आप खाइए आराम से, ठीक है, जब तक रनिंग करें। देखो डाइट क्या होती है, डाइट आपके डिपेंड करती है रनिंग की क्षमता बढ़ाने में। आप सोच रहे हैं कि घर का खाना खा के आप डाइट स्टेमिना बढ़ा लेंगे तो दिक्कत होगी, ये चीज़ें नहीं होंगी। आपको डाइट अच्छी लेने की, चना मूंग बादाम किशमिश ये सब सुबह आपको सोयाबीन सब सुबह भिगो के आपको खाना है, ठीक है। उसके साथ ही अंजीर वगैरह ले लीजिए, और बाकी डॉक्टर से सलाह लेके जो आपके विटामिन के टैबलेट हैं ये ले सकते हैं, बिना डॉक्टर सलाह के मिले, इसलिए मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ। डॉक्टर से पूछिए, वो बताएगा तो वही खाइएगा। विटामिन के टैबलेट रिवाइटल वगैरह क्या है वो आप अपने डॉक्टर से पूछिएगा, जो आपके नज़दीक हो वो बताएगा, ठीक खा सकते हो, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब बहुत से लोग क्या है दौड़ने की तैयारी नहीं कर रहे, तो भाई मत करिए। बाकी मुझे लग रहा है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, डाइट अच्छी लेंगे तो डाइट तभी अच्छी होगा। और देखो रनिंग क्या है, अब बहुत से लोग क्या है डेली 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करते हैं। देखो आपको 5 किलोमीटर डेली प्रैक्टिस नहीं, वीक में आपको 5 से 6 किलोमीटर की रनिंग आपको वीक में 1 से 2 बार करनी से, बाकी डेली आप 3 किलोमीटर रनिंग करें आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। लड़कियां तो कर सकती है 2400 आराम से, बाकी लड़के डेली 3 किलोमीटर की ऐसे लगभग प्रैक्टिस करें। और 2 टाइम आपको रनिंग नहीं जाना, एक ही टाइम आपको रनिंग की प्रैक्टिस करना है, दूसरे टाइम आपको जाना है तो केवल एक्सरसाइज करना है और वॉक करना है। और कोशिश करेंगे तो 2-4 शॉट मार सकते हैं, जैसे 100 मीटर का शॉट है, 400 मीटर की शॉट है तेज़ स्पीड में, तो ये शॉट ज़रूर मारिए। क्योंकि कभी क्या होता है जैसे आपका टाइम लग रहा है कम है तो लास्ट में क्या होता है आपको स्पीड बढ़ानी रहती, तो ये सब उस शॉट वगैरह की अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप वहाँ पर तेज़ी से रनिंग कर सकते हैं आँखें चक्कर में। ये मुझे लग रहा है आपको सबको समझ में आ गया। अगर कुछ भी डाउट है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूँगा।